हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है वो 11:30 या फिर शायद 12 बज रहे होंगे, मुझे टाइम पता नहीं है कितना हो रहा है इस टाइम पे। बस मैंने आज कपड़े वॉश करे थे, बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मैंने बिल्कुल भी कपड़े वॉश नहीं करे थे, तो वो ही इकट्ठे हो रखे थे सारे कपड़े। और ज़्यादातर कपड़े जो हैं इसमें आशी और सिया के ही हैं, क्योंकि हर 1 से 2 दिन बाद वो चेंज करते हैं कपड़े, तो गर्म कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और फिर क्या हो गया कि वो बहुत ढेर बन गया था, तो आज मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए हैं और इनको मशीन में ड्रायर भी कर दिया है, क्योंकि मौसम आज थोड़ा सा ऐसे लग रहा था बारिश जैसा। धूप बहुत अच्छी है लेकिन हल्का सा बीच में होने लग गया था, तो मुझे लगा चलो मैं आज ड्रायर कर देती हूँ, क्योंकि सारे के सारे कपड़े बहुत ज़्यादा मोटे मोटे गर्म कपड़े थे, तो इनको बार बार फिर पलटने छत में जाना पड़ता है, और एक बार ड्रायर कर दो ना तो पलट ना भी हम पलटें तो ये सूख जाते हैं। तो इसलिए मैंने सारे कपड़े आज ड्रायर कर दिए थे। और धूप अभी बहुत तेज है लेकिन हल्का हल्का सा बादल हो रहे थे। यहाँ पे मम्मी कूड़ा जो है वो जला रही हैं, वेस्टेज है। हाँ, तो इधर ना बहुत कूड़ा हो रखा था, तो फिर मम्मी ने कहा मैं इसमें जो है आग लगा देती हूँ, सारा ये जितना भी ख़राब कूड़ा है ना सब जल जाएगा ये। हाँ, तो यहाँ पे मम्मी वही कर रही हैं, और आग बहुत भयंकर तरीके से पकड़ ली वहाँ पे ना, क्योंकि सूखे पत्ते भी हैं और थोड़ा वो जो वैसे था ना लकड़ी लुकड़ी थी जो यूज़ की थी वो भी जला दी मम्मी ने। तो ये पूरा धुआं अब इधर उधर जाता रहेगा। और हमारा कैंडी यहाँ पे बैठा है, वेट कर रहा है कि कब ये नीचे जाएगी। चलना है, चलो चलो, इसको नीचे जाने की हो रही है ना। तो मॉर्निंग में छत में आ गया था और यहाँ पे आज मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश कर दिए हैं, ये सारे आशी और कपड़े हैं। खैर हमारे कपड़े तो बहुत एक दो हैं जो डेली के होते हैं, बाकी आशी और सिया के कपड़े हैं, तो सारे मैंने वॉश कर दिए हैं। धूप बहुत तेज है तो फटाफट सूख जाएंगे ये, और चलते हैं, कैंडी को भी जाने की हो रही है। चलो बाबू, चलो बाबू, चलो कैंडू, चलना है, चलो वेट कर रही है कब चलेगी। चलो 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 चलो, दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा, चलो। और अभी टाइम जो है 1 बज रहे हैं दिन के, और यहाँ पे मम्मी ने आज बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनाई है जो मैं आपको दिखाना भूल भी नहीं, मैं थोड़ा सा अपने काम में थोड़ा सा बिजी थी, तो मैं आपको दिखाती। मम्मी ने बहुत ही अच्छी पहाड़ी पालक की एक रेसिपी बनाई है, जो अगर मम्मी दोबारा बनाएगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छी बनाई है, इसमें मतलब पहाड़ी चावल का जो मांड होता है ना वो डाल के बनाते हैं, शायद कुछ ऐसे मम्मी ने चावल वगैरह पीस के बनाया, तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही। लोहे की कढ़ाई में बनाया है, और उसको पालक को ना मम्मी ने बॉईल करके पीसा नहीं है, सिंपली काट के उसको बनाया है, तो वो बन गए। मैं चावल चढ़ा रही हूँ तो वो आज हम लोग खाएंगे, क्योंकि पहाड़ी पालक हमारी कैरी में हो ही रही थी, मम्मी ने वही काट के बना दिया है। तो जो बैगन मसाला है वो मैं अब कल बनाऊँगी, और यहाँ पे वो रखे हुए, तो इन्हें फ्रिज में रखना है, नहीं तो यहाँ पे ना धूप पड़ती है डाइनिंग में ख़राब हो जाएंगे। ये है, ये मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और मम्मी आपको मैंने दिखाई दिया है, मम्मी वहाँ पर आग जला रही हैं, जो मतलब वेस्ट पड़ा हुआ है ना सामान वहाँ पर काम का नहीं है वो सब मम्मी जला रही है, क्योंकि पीछे फिर बहुत कूड़ा होता है, बहुत गंदा भी लगता है इसलिए, तो वही है। तो चलिए, और मेरे यहाँ पता नहीं क्या होता है ये रेड रेड, थोड़ी देर रहता है फिर ठीक हो जाता है, पता नहीं कुछ क्या है, ये समझ नहीं आता, इसमें खुजली भी होती है कभी कभी। तो चलिए मैं चावल चढ़ा देती हूँ यहाँ पर। टाइम अभी 3 बज गए हैं और हमारा लंच हो चुका है, और आज चलेगी ट्यूशन, और सिया का आ रखा है साइकिल टेस्ट, जो उसका रिवीजन टेस्ट भी एक तरीके से वो आ रखा है, तो मुझे उसे वो कराना है। तो हम जा रहे हैं अब छत में, पहले मैं छत में ही थी, वहाँ पे वीडियो मैंने अपलोड करा अपना, और अब मैं दोबारा से जा रही हूँ छत में सिया को लेकर जा रही हूँ। और आज मौसम थोड़ा सा बादल जैसे हल्के से लग रहे हैं। सिया चलो,
बस हम लोग छत में जा रहे हैं, सी अपना टेस्ट करेगी। कपड़े सारे सूख चुके हैं, अच्छा मैंने उन्हें ड्रायर कर दिया था, नहीं तो फिर ना सूखते नहीं, क्योंकि जिस तरह से धूप हल्की हल्की सी और थोड़ा सा हवा चल रही है ना उसकी वजह से। तो छत में आ गए हम लोग और धूप ना बिल्कुल अजीब सी हो रही है आज, बादल जैसे हो रहे हैं बिल्कुल। तो वैसे बारिश बताया हुआ है तो शायद बारिश भी आ जाए। और मेरे चश्मे में पता नहीं क्या क्या लगे हुए हैं, तो ये मुझे थोड़ा साफ़ करना है, अजीब से आ रहा है वो आँखों के उसमें आ रहे हैं ना। और कपड़े सारे सूख गए आज, मतलब अच्छा हो गया कि सूख गए, नहीं तो फिर इनको ना सुखाने का बड़ा टेंशन रहता है कि बारिश मतलब आ जाएगी तो फिर कैसे सूखेंगे, क्योंकि सारे ही घर वैसे कपड़े हैं, ये गर्म कपड़े हैं ना, तो सूखने में थोड़ा टाइम लेते हैं। लेकिन आज पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसी आया कि चलो इन्हें वो कर देते हैं, ड्रायर कर देते हैं। तो चलो अच्छे के लिए आया दिमाग में, तो ड्रायर कर दिया तो अच्छे सारे सूख चुके हैं। और मैंने आज बहुत दिनों बाद मैंने अपना ये पुराना ट्राईपॉड निकाला है। एक्चुअली जो इसका ये होता है ना होल्डर होता है, ये थोड़ा सा ना ख़राब जैसा हो रहा है। मैं कभी सोचती हूँ मंगाऊँ या ना मंगाऊँ, क्योंकि मैं इसको इतना यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग में इसको लिया था ना इतना यूज़ करा, क्योंकि मुझे इसका बहुत शौक था छोटे ट्राईपॉड का। तो अभी तो फ़िलहाल थोड़ा ठीक है, लेकिन मैं देखूँगी अगर यूज़ करने लगी दोबारा तो मैं दोबारा से एक नया इसका वो ले लूँगी, फोल्डर क्या होल्डर ले लूँगी, मतलब होल्डर ही निकलता है मुझसे, तो होल्डर ले लूँगी। अभी मैं इसको ऐसे लेकर आई हूँ, बहुत दिनों बाद अलमारी के अंदर से मैंने इसको निकाला है। और अब मैं जा रही हूँ सिया को उसका टेस्ट करवाने के लिए, आपसे थोड़ी देर में मिलूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं सिया को जो है उसका टेस्ट करवा रही हूँ, और उसके मतलब वैसे टेस्ट तो उसके दो मार्च्स हैं, आशी और सिया दोनों के ही दो मार्च से एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन अभी इनके रिवीजन टेस्ट जो होते हैं ना वो चल रहे हैं। तो मैम रोज़ मतलब इनको एक टेस्ट देगी। सब्जेक्ट तो सिया के तीन ही हैं, हिंदी इंग्लिश एंड मैथ्स, नहीं फोर हैं, EVS भी है। तो अभी फोर इसके साइकिल टेस्ट चलेंगे, उसके बाद इनके दो मार्च से एग्ज़ाम्स हैं। तो बस ये यहाँ पर वही कर रही है, मैंने इसको बोला छत में ही चलते हैं, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है ठंडा लग रहा है और छत में आके धूप तेज़ तो है, लेकिन मैंने कहा धूप में ही ठीक रहेगा क्योंकि अंदर फिर ठंडा जैसा रहता है इसलिए। तो इसी को मैंने उसका टेस्ट करवा दिया है, और उसके बाद आप देख रहे हो मौसम एकदम से चेंज जैसा हो गया था। तो मैं सारे के सारे कपड़े जो कि सारे सूख गए थे, और आज मुझे मतलब कपड़ों को ना दीवार पर भी नहीं डालना पड़ा, क्योंकि कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए थे। एक बार पलट दिया था मैंने इन्हें और ये अच्छे से सूख गए हैं, सारे कपड़े नीचे ले जाके मैं फोल्ड करूँगी अब। और अभी मैं जितने भी कपड़े छत से लेकर आई थी सारे फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर वैसे कपड़े थोड़े बहुत और भी हैं मेरे ही, मतलब उसमें ज़्यादातर आशी और सिया के कपड़े होते हैं तो वो ही ज़्यादा हैं। तो लेकिन फिर मैंने कहा इन्हें भी वहाँ रख दूँगी ना तो बहुत ज़्यादा ढेर लग जाएगा, फिर वो देखने में भी अजीब लगता है, तो मैं ये नीचे लेकर आ गई थी। और मैंने इनको लाते साथ ही मैंने इनको ना सीधा कर दिया था, क्योंकि फिर सीधा करो फोल्ड करो सीधा करो फोल्ड करो बहुत टाइम जाता है, तो पहले मैंने सबको एक साथ सीधा कर दिया था। अब आराम से बैठ के मैं सभी को अच्छे से फोल्ड कर दूँगी, इनको इनकी जगह पर रख दूँगी, और फिर हम लोग डिनर की तैयारी करेंगे। अभी 5:30 बज गए हैं, शाम हो चुकी है, चाय वगैरह हमने पी ली है, चाय पी हुए तो बहुत टाइम हो गया, मतलब
एक नहीं साढ़े पाँच नहीं साढ़े छः बज रहे हैं, मैं आपको गलत टाइम बता रही हूँ, साढ़े पाँच बज नहीं साढ़े छः बज रहे हैं अभी, और हमने साढ़े चार या पौने पाँच बजे का टाइम चाय पी ली थी। उसके बाद कपड़े जितने भी छत में थे सारे के सारे लेकर मैं नीचे आ गई थी, और यहीं पे मैंने उनको सीधा भी कर दिया था, फोल्ड मैंने अभी अभी करा है उसको, क्योंकि फिर एकदम ना बहुत लंबा टाइम लगता है कि उसको सीधा करो फिर फोल्ड करो ना, इसलिए मैंने लाते साथ ही उन्हें सीधा कर दिया था। और फिर आराम से बैठ के मैंने सारे कपड़े जो है फोल्ड करके रख दिए, क्योंकि ऊपर भी ना थोड़े कपड़े हैं, फिर ये आज के कपड़े बहुत ज़्यादा थे इस वजह से फिर ऊपर बहुत वॉच पॉच से जाती है जो कि अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं आज सारे कपड़े नीचे ही लेकर आ गई थी। और अब मैं जा रही हूँ किचन में, मम्मी दूध लेने गई है, थोड़ा सा वॉक करने भी गई है। मम्मी मुझे ही बोल रही थी कि तू भी चल ले, लेकिन मैंने कहा नहीं चलो, मैं थोड़ा सा मुझे होता है कि चलो मैं अपना ब्लॉग जो है आज एक दिन का एक दिन में कंटिन्यू मतलब कंप्लीट कर दूँ हो सके तो ना, तो मैं नहीं गई हूँ वॉक पे। मम्मी तो एक तो चक्कर मतलब एक तो राउंड ले लेती हैं, दूध लेकर आ जाती है मम्मी, और आज हम लोग बनाएंगे सोया बड़ी और साथ में शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो कैसे बनाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाते हैं हम लोग लेकिन अच्छी लगती है, तो वही मैं बनाने जा रही हूँ बाहर इधर से। तो यहाँ पे अभी मैं जो सोया बड़ी है उसका दूसरा जो डब्बा है वो ओपन कर रही हूँ, क्योंकि एक में थोड़ी है तो वो इतनी होगी नहीं, तो मम्मी कल ही दूसरा लेकर आई थी तो उसी को मैं ओपन कर रही हूँ। और इसके पीछे ना तीन रेसिपीज़ दे रखी थी, कबाब, सोया चिली और साथ में एक चीज़ और दी हुई थी इसमें, तो मैं वही पढ़ रही थी कि रेसिपी क्या क्या है इसकी ना, किसी किसी बॉक्स के पीछे रहता है ऐसा रेसिपी लिखा हुआ रहता है ना, तो इसमें तीन तीन रेसिपी दे रखी थी तो मैं वही पढ़ रही थी किस तरह से बना रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें से ले लिया, थोड़ा सा दूसरे नए पैकेट में से ले लिया है, और मैंने यहाँ पे पानी जो है बॉईल भी कर दिया है, साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। इसमें जो सोया बड़ी है ना वो मैं भिगा के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तो क्योंकि अच्छे से फूल जाए, और जो नमक वाला पानी है ना थोड़ा सा नमक इसके अंदर चले जाए। वैसे तो मुझे इसे वॉश करना है एक बार, लेकिन फिर भी हल्का सा नमकीन सा ये हो ही जाता है, तो इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगी। और उसके बाद इसको जब ये ठंडा तो करना पड़ेगा खुद ही, क्योंकि खुद बहुत टाइम लगेगा ठंडा होने में, तो जब ये ठंडा कर दूंगी मैं, उसके इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। और इसके बाद इसमें नमक, लाल मिर्च और साथ में मैंने लहसुन और अदरक को ना कूट लिया था, वैसे इसका पेस्ट भी चलेगा लेकिन मैंने इसको कूट लिया था अच्छे से, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रहने देंगे, और उसको उसके बाद इसको हल्का सा शैलो फ्राई बोल लो, ये बहुत ही कम तेल में इसको मैं फ्राई कर लूँगी, फ्राई भी नहीं बोलेंगे उसको, हल्का सा सॉटे कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच जो है ऑयल लिया है, और ये जो सोया बड़ी को मैंने मैरिनेट करके रखा था इसको हल्का सा इसमें सॉटे कर लूँगी मैं, जब तक कि हल्का सा इसमें कलर जैसा ना आ जाए ना। ऑयल मैं बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी अलग अलग स्टेज में 2 से 3 बार इसमें ऑयल जाएगा, और साथ में जो सोया बड़ी है बहुत ज़्यादा ऑयल ना ले एब्जॉर्ब भी कर लेती है, तो फिर बहुत ऑयल लगता है, इसलिए मैंने इसको बहुत कम ऑयल में वो करा है और इसको अलग से प्लेट में निकाल दिया। यहाँ पर एक चम्मच ऑयल मैंने फिर से ऐड करा है, और उसमें मैंने ये जो प्याज हैं और शिमला मिर्च हैं इनको अच्छे से मैं मिला लूँगी, मतलब इसको टाइम लगा है 5 मिनट लगे हैं, लेकिन सब्ज़ी को बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा क्रंची रहना चाहिए, तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको हल्के से भुना है, और उसके बाद मैं इसको प्लेट में निकाल के अलग कर लूँगी, और उसके बाद हम मसाला बनाना शुरू करेंगे। अभी सेम कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच के बराबर मतलब ऑयल डाला होगा, और उसमें मैंने 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 या 6 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 मैंने लिए हरी इलायची इसको तोड़ के, और हल्का सा इसको मिलाने के बाद मैं इसमें रफली चॉप कटे हुए प्याज हैं, लहसुन, अदरक ऐड कर दूंगी। और ये जो आप हरा हरा सा देख रहे हो ना, ये प्याज के जो कोपले से नहीं जाती हैं ये आ रखे थे, तो मैंने इनको भी इसके साथ ही मिक्स कर दिया, हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे प्याज को, और उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। और आजकल टमाटर बहुत अच्छा आ रहे हैं ना, मतलब हल्के से खट्टे होते हैं ये, लेकिन कलर बहुत अच्छा आ रहा है इनका, रेड रेड सा, तो टमाटर मिक्स कर लिए हैं।
हल्का सा मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी और इनको मिलाने के बाद ढक दूंगी जब तक कि प्याज और टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैंने इनको अच्छे से पीस लिया है, बहुत ही अच्छे से बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट बना लिया है। और इसके बाद की क्लिप जो है पता नहीं कहाँ चलेगी, मुझे खुद पता नहीं है। तो इसके बाद मैंने ऑयल बिल्कुल नहीं लिया है कढ़ाई में, सीधा मैंने वो ही मसाला जो पीसा था ना वो इसमें ऐड कर दिया है। साथ में इसमें थोड़ी सी हल्दी और मिर्च, साथ में धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। ये वाला मसाला बहुत अच्छे से बनाना है क्योंकि ये मसाला अगर बहुत अच्छे से बना होगा ना तो सब्जी अच्छी बनती है। तो इस मसाले को मैं बहुत अच्छे से ढककर पकाऊंगी और जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी, हमें लगेगा मसाला हल्का सा पक गया है, तो मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करा है, एक गिलास पानी था उसमें थोड़ा सा रह गया था, इतना पानी मैंने इसमें ऐड करा है। और अब मैं इसमें गर्म मसाला ऐड कर दूंगी। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको मिला लेंगे और जितनी भी मैंने, मतलब जितनी भी नहीं, दो ही थी, एक तो अनियंस थे और साथ में कैप्सिकम थे, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और जो सोया बड़ी थी, सोया चंक्स, वो भी मैं इसमें अभी ऐड कर दूंगी ताकि सारे के सारे फ्लेवर सोया चंक्स के अंदर चले जाए। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ और इसको ढककर पकाना है अभी। मतलब क्योंकि जो शिमला मिर्च और प्याज है इसको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का क्रंचीनेस इसमें होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि मसाला ऑलरेडी पका हुआ है, बाकी चीज़ें ही पकी हुई हैं। तो 5 से 6 मिनट के लिए ढककर मैं इसको पकाऊंगी। नमक वगैरह टेस्ट कर लो, भी अपने घर में से ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आती है, आशु और सिया को बहुत अच्छी लगती है सब्जी, वो नाश्ते में भी यही खा, उन्होंने यही खाया है नाश्ते में भी। दोनों को मतलब ही फेवरेट सब्जी है सोया बड़ी, किसी भी सब्जी में होगी तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर सब्जी जो है रेडी होगी, बिल्कुल तैयार है और मैं अभी अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप सबसे नए वीडियो के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। रेसिपी पसंद है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नए वीडियो के साथ मिलती हूँ आप सबसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।